हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वही आईसीएमआर के, जो मैंने आपको कहा था फोर्थ पोस्ट निकली है उसकी वीडियोस मैं तैयार करूंगी। तो उसकी ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड दिस पोस्ट इज़ बेसिकली ऑफ प्रोजेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड ए के हैं, राइट। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए दैट विल बी 12th पास। इफ़ यू आर 12th पास देन यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोजेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर। और स्पीड टेस्ट, बट आपका जो है कंप्यूटर पे जो टेस्ट लेते हैं टाइपिंग टेस्ट, दैट शुड बी नॉट लेस देन 15,000 डिप्रेशंस पर आर, राइट। ये चीज़ें उन्हें चाहिए ही चाहिए। डिज़ायरेबल है होगा अगर आपको एमएस ऑफिस चलाना आता है, एमएस वर्ड चलाना आता है, एमएस एक्सेल चलाना आता है, राइट। ड्यूटी क्या होगी आपकी वहाँ पर, कि आपको सिंपली डाटा एंट्री करनी होगी, सिक्योरिटी एनालिसिस वगैरह वही सब कुछ कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाला है। वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ये चीज़ याद रखना। यू हैव टू मूव टू द हैदराबाद। एंड इसकी जो टेन्योर रहेगी वो सिर्फ 3 months की रहेगी। अगर आपका काम उनको अच्छा लगेगा तो वो बाकी प्रोजेक्ट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट नॉट श्योरिटी, देयर इज नथिंग श्योर अबाउट दिस केस, राइट। और एक और चीज़ है कि टेन्योर तो 3 months की रहेगी, मतलब टेम्परेरी होगा। और जो सैलरी है दैट विल बी 17,000 पर मंथ की सैलरी रहेगी। एज जो है आपकी अगर 25 से ज़्यादा नहीं है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। और पोस्ट सिर्फ एक ही है, तो आप अपना जो मेल के थ्रू जो सारा का सारा प्रोसीजर मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था किस तरह से मेल वगैरह करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी हर एक चीज़ इंक्लूडेड है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरी पहली वीडियो से, जो कि आईसीएमआर की ही थी, जो मैंने प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट की बनाई थी, उसके नीचे सब कुछ इंक्लूडेड है। सो काइंडली हैव अ लुक ओवर देयर एंड जल्दी से ये इसका जो पोस्ट आई है ये फिल आउट कर दो, बिकॉज 25 इज़ द लास्ट डेट, 25 अगस्त, राइट। सो बाय।